घोसी के सांसद अतुल राय का जन्मदिन उनके समर्थकों ने पूरे उल्लास के साथ पूर्वांचल के आधा दर्जन जनपदों में रक्तदान कर मनाया। युवाओं द्वारा रक्तदान का सिलसिला जो वाराणसी से शुरू हुआ वो मऊ, गाजीपुर, बक्सर, प्रयागराज, हिसार, बरेली, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, कुशीनगर, बलिया, मिर्जापुर, आजमगढ़ व गाजीपुर में जारी रहा। रक्तदान का कार्यक्रम पूरे सप्ताह जारी रहेगा। दो दिन में युवाओं ने 519 यूनिट रक्तदान किया। जन्मदिन के अवसर पर पौधरोपण के साथ अस्पतालों में फल का वितरण किया गया। अतुल राय यूथ ब्रिगेड की ओर से अनेकों जगहों पर केक व मिठाइयां बांटी गईं। मऊ में रक्तदान शिविर का उद्घाटन सीएमएस ब्रिज कुमार ने फीता काटकर किया। सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय ने कहा कि इस कोरोना महामारी के चलते ब्लड बैंकों में डोनरों के न आने से ब्लड यूनिटों में काफी कमी आई है, जिससे आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे शिविरों से ये कठिनाइयां कम होगी और रक्तदान महादान तो है ही। इस मौके पर रक्तदान करने के बाद अभिनव राय ने कहा कि समर्थकों ने रक्तदान कर अपने नेता की समाज सेवा की भावना का सम्मान किया है और समाज को संदेश दिया है कि अतुल राय और उनके लोग आमजन की खैरियत, अमन चैन के लिए कुछ भी करने को तत्पर है। संजय सिंह ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हर इंसान को साल में कम से कम 3 बार स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए ताकि रक्त की कमी से किसी जरूरतमंद को अपनी जान न गंवानी पड़े। अतुल राय जी का जन्मदिन है। चूंकि आप लोगों ने विगत दिनों में देखा कि हम लोगों ने लॉकडाउन में लगातार सांसद जी के दिशा निर्देश पे गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया। चूंकि कोरोना का समय चल रहा है, सांसद जी ये महसूस किए कि इस वक्त पूरे पूर्वांचल के ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी है, जिससे गरीब लोगों को खून नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने ये हम लोगों को निर्देशित किया कि आप लोग इस हफ्ते एक रक्तदान शिविर चलाइए। जिसी क्रम में हम लोग लगातार कल बनारस में था, आज 16 जिलों में लगातार चला रहे हैं। ये अभी 2-3 दिन और हम लोग चलाएंगे ताकि पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं जहां ब्लड बैंक है वहां ब्लड की कमी न हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद हमारे पूरे मऊ जिले के कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से अपने अपने गाँव में जन्मदिन केक काट के जन्मदिन मनाने का काम करेंगे।